भिलवाड़ा में कोरोना महामारी को लेकर विधायक कोष से जरूरतमंद लोगों को नगर परिषद के माध्यम से खाद्य सामग्री वितरित की गई, लेकिन सामग्री को लेकर कांग्रेस और भाजपा पार्टी के लोगों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिसके बाद नगर परिषद परिसर में रखी खाद्य सामग्री के 6000 से अधिक पैकेट को सप्लायरों ने हाथों हाथ वहां से हटा दिए। आपको बता दें कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामपाल शर्मा ने घोटाले का आरोप लगाते हुए इसकी जांच की मांग की है। उन्होंने सीएम गहलोत और मंत्री उदयलाल आंजना को भी पत्र लिखकर इसकी जांच की मांग की है। वहीं उपभोक्ता भंडार कर्मचारी रेखा शर्मा ने कहा है कि शिकायत मिलने के बाद सप्लायर को सामग्री बदलने के आदेश दिए गए हैं। जिला होलसेल भंडार के खिलाफ काफ़ी शिकायतें मिली है, पहले मेडिकल के मामले में भी मिली है और अभी कोरोना के दौरान जो खाद्य सामग्री वितरण की गई है उसमें भी शिकायतें मिली है, चाहे वो प्रिंट की शिकायत हो, चाहे कम आटे की शिकायत हो, चाहे और भी कई भी शिकायत थी। 19 रुपये 80 पैसे 20 रुपये तक का आटा परचेज हो रहा था, लेकिन भंडार ने 27 28 29 30 रुपये तक आटा परचेज किया। इसमें भी घोटाले की बातें आई है। हमने समय समय पर मुख्यमंत्री जी को, उदयलाल जी आंजना को अवगत करा दिया, जिला कलेक्टर को भी जाँच के लिए मैंने लिखा है। हम सरकार की छवि खराब नहीं होने देंगे। हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में जिस तरह से जो काम चल रहा है उसमें अगर कोई भी अधिकारी किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतेगा तो हमने मंत्री जी को अवगत करा रखा है और जिला कलेक्टर को लिख के दिया है। कमेटी बन रही है, जांच होगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस नाते हम यहाँ देखने आए विधायक महोदय के निर्देश के आधार पर, तो हमने यह पाया कि हमारे आने के बाद में ये आटो के सारे कट्टे इन्होंने भी अनियमितता मानते हुए इनको चेंज करवा रहे हैं। अब अनियमितताएँ दो प्रकार की है, एक तो आटे की क्वालिटी की दृष्टि से इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, बैच नंबर तीनों नहीं है। अब इसमें जीएसटी चोरी हो रही है कि जी बैच नंबर क्यों नहीं है, किस वजह से नहीं है, और मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट भी नहीं है। वजन भी हमने देखा तो हमारे हिसाब से हमने जो सोचा है, हमने जो वेट किया लगभग एक कट्टे में 10 किलो में लगभग 200 ग्राम